कर दिया। इसके बाद आप इंटर करेंगे ये भी से, इस तरीके से आप इसके रिकॉर्ड को बना लेंगे। रिकॉर्ड को बनाने के बाद में ये व्यू सोर्स वाली बटन में यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल मर्ज के रो तथा कॉलम फॉर्म के साथ इसी विंडो में शो हो जाएंगे। ऐसे व्यू सोर्स किया, ये देखिए आप मेल मर्ज के रो तथा कॉलम फॉर्म के साथ इसी विंडो में शो हो रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में, और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेल मर्ज कैसे किया जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो मेल मर्ज के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं आपको बताऊंगा मेल मर्ज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल मर्ज ऑप्शन किस मेनू बार के अंदर होता है। तो मेल मर्ज ऑप्शन होता है टूल्स वाले, ये टूल्स वाला मेनू बार आप देख पा रहे हैं, इस टूल्स वाले मेनू बार के अंदर ही मेल मर्ज वाला ऑप्शन होता है। तो यहाँ टूल्स वाले मेनू बार को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मेल मर्ज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये मेल मर्ज वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मेल मर्ज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्रिएट वाली बटन में क्लिक करके फॉर्म लेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। एक विंडो खुल के आएगी, इस विंडो में एक्टिव विंडो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद गेट डाटा वाली बटन में क्लिक करके क्रिएट डाटा सोर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपकी विंडो खुल के आई है क्रिएट डाटा सोर्स वाली। इसके बाद ये रिमूव फील्ड नेम वाली बटन के माध्यम से आप एक काम कीजिए, ये पूरे फील्ड नेम जो भी हैं ये आप इरेज कर दीजिए। ये पूरे फील्ड नेम इरेज हो गए। मान लो आपके यहाँ कोई वर्कर है उस जिसको आपने जॉब में रखा है, तो आप उस वर्कर की कौन कौन सी डिटेल रखेंगे उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को आप बना लीजिए। तो सबसे पहले वर्कर का आप नेम पूछेंगे, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, नेशनैलिटी, ऐसे करके जो भी कुछ है आप इसको ले लिया। स्पेस नहीं देंगे, कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं यूज करेंगे, नहीं तो ये फील्ड जो भी आप टाइप करेंगे ये शो नहीं होगी, यहाँ पर नहीं आएगी वो। इसके बाद ओके करेंगे। यहाँ आपसे फाइल नेम मांगेगा, कोई भी फाइल नेम दे दिया, मान लो गगन। इसके बाद सेव वाली बटन में क्लिक करेंगे, एक विंडो ऐसे खुल के आएगी, इसमें एडिट डाटा सोर्स वाली बटन में क्लिक करेंगे और इस टेबल को फिल कर लेंगे। मान लीजिए नेम में हमने नाम डाल दिया राहुल, एड्रेस में डाल दिया गोपाल नगर, सिटी मान लीजिए कानपुर, स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश, नेशनैलिटी इंडियन, फ़ोन नंबर कुछ भी आप ऐसे डाल दीजिए, जो भी फ़ोन नंबर होगा, जो भी उस वर्कर का फ़ोन नंबर हो आप लेके फिर इंटर कर दीजिए। तो यहाँ वन की जगह आपको टू दिखाई दे रहा है, मतलब एक रिकॉर्ड सेव हो गया। दूसरा रिकॉर्ड मान लीजिए आपको कोई टाइप करना है, कोई भी नाम आपको अमित, एड्रेस मान लो यशोदा नगर, सिटी कानपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश, नेशनैलिटी इंडियन, फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए और ओके। यहाँ से इसको आपने ये टाइप कर दिया, इसके बाद आप इंटर करेंगे ये भी से, इस तरीके से आप इसके रिकॉर्ड को बना लेंगे। रिकॉर्ड को बनाने के बाद में ये व्यू सोर्स वाली बटन में यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल मर्ज के रो तथा कॉलम फॉर्म के साथ इसी विंडो में शो हो जाएंगे। ऐसे व्यू सोर्स किया, ये देखिए आप मेल मर्ज के रो तथा कॉलम फॉर्म के साथ इसी विंडो में शो हो रहे हैं। और यदि इसके ऊपर जो ओके वाली बटन थी, यदि आप ओके वाली बटन में क्लिक करेंगे तो आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। जो आपने फाइल सेव किया था, जिस ड्राइव में फाइल सेव किया था, वहाँ पर जा करके फिर आपको अपनी फाइल, ये गगन नाम की फाइल है, इसको लेके ओपन करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी ओपन है क्योंकि हम लोगों ने व्यू सोर्स चॉइस किया था। तो ये आप देख रहे हैं, उसको मैंने जैसे ही ओके किया, ये फाइल मतलब उसमें जो फिल किया था वो यहाँ शो नहीं हो रहा। व्यू सोर्स करेंगे तो पूरी डिटेल आपको यहाँ शो हो रही होगी। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज के रो तथा कॉलम को फॉर्म के साथ फिल करके व्यू सोर्स के माध्यम से टेबल में, ये अपने एमएस वर्ड की विंडो को टेबल के साथ में इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेब्रा ऑफिस में भी बनाऊंगा, विंडोज 7 में भी बनाऊंगा। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके कि ये निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जाता है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रैक्टिकल को कर सकते हैं, मैं पूरे वीडियो प्रैक्टिकल के साथ में बताता हूँ। कोई भी एमएस ऑफिस से, अकाउंटिंग से, जो भी होगा आगे, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग,
सी प्लस प्लस जावा सब कुछ मैं इस अपने इस चैनल में यूट्यूब के चैनल में सब बताऊंगा और विद प्रैक्टिकल मैं करके भी दिखाऊंगा। इस तरीके से आप कोई भी प्रैक्टिकल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं।